हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं आपके सामने 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ। अभी तक हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाना सीखा, बट आज हम उस फ्रैक्शंस को वर्ड प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग। सैली एक लड़की है जिसने 4 सैपलिंग्स लगाए। सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, मिनी प्लांट्स लगाए 4 इन अ रो, एक रो में, एक ही रो में 4 सैपलिंग्स लगाए इन हर गार्डन, अपने गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स में, यानी कि 2 साथ साथ के पौधों में 3/4 मीटर का गैप रखा उसने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, तो पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में टोटल कितना गैप है ये हमें पता लगाना है। देखिए मैं आपको बोर्ड पे डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये हमारी एक्सरसाइज है 2.2 न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए सपोज ये मानकर चलिए कि ये हमारा पहला सैपलिंग है, सैली ने ये पहला सैपलिंग लगाया है। हम ऐसे सपोज कर लेते हैं ये पहला सैपलिंग है और फिर उसने थोड़े डिस्टेंस पे दूसरा सैपलिंग लगाया है, फिर थोड़े डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे आपको लगना रहा हो तो रफ ही बनाया मैंने, बट ये इक्वल डिस्टेंस मान के चलेंगे, फिर उसने चौथा सैपलिंग लगाया। ठीक है, ये 4 सैपलिंग है और हर सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर का डिस्टेंस है इस तरह से। ठीक है, चारों सैपलिंग के बीच में इतना इतना डिस्टेंस उसने छोड़ा है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप बताइए कि पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, हमें ये पता लगाना है कि पहले और आखिरी में टोटल। इसको करने के 2 मेथड है, मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगी, बट फॉलो जिस मेथड को मैं कहूंगी फॉलो करने को आप उसी को करिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए एक तो डायग्राम को देखते आपको पता चल रहा होगा कि अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो तीनों को सम कर दो। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है कि तीन बीच में 3 गैप है तो, और सेम गैप है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्योंकि अभी सीखा यही है, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे, फ्रैक्शन सीख रहे थे, तो हमें फॉलो मल्टीप्लाई को ही करना है, बट आप चाहें तो एडिशन भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम रहने वाला है। देखिए टोटल सैपलिंग से 4, आप पहले यहाँ लिख लीजिए टोटल सैपलिंग से 4 डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ के 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, वो है 3/4 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। मैं आपको फ्रैक्शन पर बेस्ड ही करवाऊंगी क्योंकि हमें उसी को फॉलो करना है, आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं पर बेटर रहेगा कि आप मल्टीप्लाई करके निकालें। 3 गैप है, 3 × करिए और एक फ्रैक्शन को ले लीजिए। ठीक, बहुत जल्दी से आ जाएगा इसलिए हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। 3×3 = 9/4 मीटर आ भी गया हमारा आंसर। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं, 4×2 = 8 और 1/5 कि आपने मिक्स्ड में चेंज कर लिया। मिक्स्ड में कैसे चेंज किया, आप लॉन्ग डिवीजन करिए, 4×2 = 8, 9 में से 8 गया 1, तो 4 आ गया आपका डिनोमिनेटर, 1 आपका न्यूमरेटर और 2 आपका क्वेश्चन होल नंबर बन गया, ये आंसर आ गया। अब मैंने कहा था कि आप इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो सेकेंड मेथड क्या है, वैसे तो मैं बता नहीं रही थी बट आप देख लीजिए क्योंकि कई बच्चों को लगता होगा कि तीनों को सम कर दे तभी तो आ जाएगा, तो हम 3/4
प्लस 3/4। बस एक मिनट का क्वेश्चन और ये खत्म हमारा। तीनों को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम। एक बार देखिए, और ये आ गया 9/4 मीटर, सेम आंसर आया। आप इसको भी मिक्स में चेंज कर सकते हैं, तो आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एडिशन से भी आंसर ला सकते हैं, मल्टीप्लाई से भी आंसर ला सकते हैं, पर बेटर रहेगा मल्टीप्लाई से सीखिए, क्योंकि चैप्टर हमारा मल्टीप्लाई पर ही बेस्ड है। तो आप इसको करिए, आपका टाइम सेव होगा और गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।